बॉडी लैंग्वेज आजकल हर चीज बड़ी साइंस बन गई है, इतनी साइंस बन गई है कि आप हैरान हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे जब मैं अमेरिका में था तो आई वॉज अ जनरल मैनेजर, फिर मैं हेड ऑफिस कॉरपोरेट में भी चला गया। वहाँ पे बहुत सारे होटल्स में ट्रेवल करना पड़ता था, देखना पड़ता था। तो जो दिलचस्प चीज़ है कि टाइम नहीं होता एचआर के लोगों को, जो वाइस प्रेसिडेंट हो प्रेसिडेंट हो, उनके पास टाइम नहीं होता। तो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के तरीक़ाकार रिसर्च के ज़रिए निकाल लिए हैं जिससे इंसान के बारे में तकरीबन 20 मिनट में, आधे घंटे में सब कुछ पता चल जाता है। और कुछ चीज़ें तो इतनी साइंस हैं कि आप जितनी भी कोशिश कर लें झूठ बोलने की, आप उसमें झूठ नहीं बोल सकते। अब वो हैं, एक तो है बॉडी लैंग्वेज, दूसरा है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP। किसी ने किया NLP यहाँ पे? अच्छा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक ये है। और तीसरी जो स्टडी है उसको कहते हैं हम ग्रेफोलॉजी, हैंड राइटिंग। आजकल तो हर चीज़ टाइप होती है, मगर जो ग्रेफोलॉजी, आपने देखा होगा बाज़ अदारों में आप जाते हैं तो वो कहते हैं एक मजमून लिख लें आप हाथ से, तो आप बड़े जनाब दबा के लिख रहे होते हैं कि अपने ओके मैं उसको बड़ा मुतासर करूँगा। वो आपके मजमून में कोई इंटरेस्टेड नहीं होते, वो आपकी हैंड राइटिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। ये भी एक बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है। अगर आप दिमागी तौर पे डिप्रेशन में हैं तो आपकी हैंड राइटिंग डिफरेंट होगी। अगर आपके जज्बात डिसअपॉइंट हुए हैं किसी चीज़ से तो आपकी हैंड राइटिंग में फ़र्क आ जाएगा। इसी तरह न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है वो भी बॉडी लैंग्वेज के इर्द गिर्द गुजरती है, मगर उसमें बहुत सारी और नफसियाती चीज़ें भी हैं और वो भी समझ नहीं आई। मगर बाज़ लोग इसमें बहुत अच्छे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक लेटर मैंने दिया इस साइकाइट्रिस्ट को किसी के बारे में और मैंने कहा तुम बताओ, तो वो लेडी थी, वो कहने लगी कि मैं अभी नहीं, मैं कल आपको लिख के बताऊंगी इसके बारे में, इस आदमी, उसने आदमी को कभी नहीं मिला था, कभी उसने उससे कॉन्टैक्ट नहीं था। उसने जो दूसरे दिन मुझे टाइप करके बताया उसके ट्रेड्स, उसकी सोच, उसकी बिहेवियर, उसका, मैं तो हिल गया। मैंने कहा कि आप तो मिली भी कभी नहीं उसको और इतनी 100% चीज़ें आपने उसके बारे में सही बता दी। तो ग्रेफोलॉजी जो है वो क्रिमिनोलॉजी में भी बड़ी यूज़फुल होती है और वहाँ भी पढ़ाई जाती है, और इसी तरह बॉडी लैंग्वेज भी और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, किसी का झूठ पकड़ना हो तो ये चीज़ें सारी। तो बॉडी लैंग्वेज जो है वो सर से शुरू होती है और पांव तक जाती है। ये सबसे पुराना अंदाज है बात करने का। बच्चे जब रोते हैं तो चेहरा रोने वाला होता है तो वो कुछ मांग रहे होते हैं। आपने कभी बच्चों को देखा है ऐसे कर रहे हो? कितने लोगों ने देखा है छोटे बच्चों को ऐसे करते हो? बेसिकली जब आपको बदबू आ रही हो किसी चीज से तो आप ऐसे कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं? आप ऐसे कर लेते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं। जब आप बैठे हों और आप बोर हो रहे हों तो आप कभी यूं चले जाते। अब इसके दो मतलब निकल सकते हैं, एक तो मेरा जैसा मोटा आदमी जो है वो कंफर्टेबल फील करता है ऐसे हाथ से, और बाज़ दफ़ा आप क्लोज कर रहे होते हैं। तो जो अनाड़ी बॉडी लैंग्वेज वाले हैं वो इससे बड़े गलत मतलब निकालते हैं, वो सिर्फ बेचारा कंफर्टेबल है ऐसे, उसका कोई और मतलब नहीं है। मगर बॉडी लैंग्वेज में जब क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज हो रही हो, क्लस्टर का मतलब बहुत सारी चीजें एक टाइम पे हो रही हो, तो उसको बॉडी लैंग्वेज के जो स्पेशलिस्ट हैं वो उसका मतलब निकालते हैं। तो अमूमन ये साइंस ऐसी है कि इसमें गलतफहमी भी पड़ सकती है और अगर आप समझते ना हो उसको, मगर क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज पूरा जो पूरा है वो जवाब देता है। अगर एक शख्स वॉलंटियर करके इधर आ जाए, अब देखें, अब आप थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा ऐसे करके ना ऐसे करें, अब बताएं, हैं तो बड़े हैंडसम आदमी, मुश्किल है कि इनको, अब बताएं आपकी क्या फीलिंग है? हंसने की बात नहीं है सर, जी जी बताएं। आप बताएं। शेर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी क्रॉस लेग्स नहीं, लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा
एरोगेंस शो कर रहे हैं, आप इसको पॉम को और नीचे ले जाएं, बिल्कुल मतलब क्रॉस कर रहे हैं जी, और अच्छा अब ये जो है ना, ये देखिए इसको कहते हैं लॉकिंग अपने जिस्म को, आप पीछे वाले नजर आ रहे हैं आपको, अच्छा इसको लॉक कर रहे हैं, इधर से भी लॉक किया है, इधर से भी लॉक किया। जब ये लॉकिंग होती है तो मेरे जैसा आदमी नॉर्मली क्या करता है कि यार ये बात सुनिए, देखें ब्लैक है, देखें इसको टच करें, हाँ जी ब्लैक। अब मैं आस्ता आस्ता इनको ओपन करना शुरू कर दूंगा कोई चीज दे के, ताकि ये लॉक जो है ना इनका लॉक खत्म हो। जब ये लॉक आ रहा होता है तो नॉर्मली लोग आपकी बात नहीं सुन रहे होते। अच्छा अब देखें, मैं अगर ऐसे करके बैठा हूं, आप लोगों को मैं बॉडी लैंग्वेज सिखाऊंगा तो क्या मतलब इससे, अथॉरिटी एरोगेंस, कितना आसान है, आप लोग सब बॉडी लैंग्वेज स्पेशलिस्ट हैं पहले से। अच्छा मिसाल के तौर पे मैं ऐसे बैठा हूं और मैं कर रहा हूं तो वेरी गुड, तो ये इसका क्या मतलब है, मगर आप एकदम रिएक्ट ना करें, जरा मेरी तरफ देखें, वैसे भी हैंडसम आदमी हूं, जरा देखें, मगर आप इसको ऐसे देख के मेरी इन उंगलियों की तरफ देखें, मेरा इसकी तरफ देखें, ये मेरा हाथ देखें, और फिर ये देखें कि मैंने यूं किया हुआ है मुट्ठी या यूं किया हुआ है। अगर मैंने मुट्ठी की हुई है यूं देख रहा हूं तो मैं इवेल्युएटिव मोड में हूं, मैं आपको इवेल्युएट कर रहा हूं, अपने दिमाग को कह रहा हूं कि यार ये बात सही कर रहा है कि नहीं। और चिन्ह जब ऐसे से लोग नहीं करते, सोच रहे होते हैं ऐसे करके, और फिर मेरा अगर थोड़ा एग्रेसिव मोड है कि मुझे आप पे हल्का सा गुस्सा भी आ रहा है या अनकंफर्ट हो रहा है, तो फिर मेरा हाथ जो है ये ऐसे बंद भी हो जाएगा। अब मैं अगर आपकी तरफ यूं पॉइंट करूं तो इसका क्या मतलब है, पॉइंटिंग, पॉइंटिंग किसको कहते हैं, बुरी चीज समझाती है ना, नहीं कहते बुजुर्ग की तरफ पॉइंट मत करो ये उठा के। बॉडी लैंग्वेज क्यों झूठ नहीं बोलती, क्योंकि रब ने उसको प्योर बनाया, तो जब वो खुद अपने इर्द गिर्द के माहौल से कुछ ऐसे वैल्यू सीख लेता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज उसको कन्वर्ट कर रही होती है और उसको रिजेक्ट कर रही होती है। आगे मैं आपको बताऊं कि मिसाल के तौर पे आप बात कर रहे हैं, आप बात करते करते मेरी तरफ देखें आप, और मैं ऐसे करता हूं, और हर थोड़ी देर बाद मैं ऐसे करता हूं, ऐसे करता हूं। अब देखें ऐसे करना, ये ऐसे करना, ये दोनों चीजें नाक के साथ डालो। अच्छा कोई ऐसे कर रहा है ना, ऐसे बेचारे को एलर्जी है तो वो कुछ समझ आता है, मगर जो हल्का हल्का टच करता है ना, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। इसके अगर वो बातें कर रहा है तो वो आपसे शायद इतना सच ना बोल रहा, और आप अगर वो चुप है और आप बातें कर रहे हैं और उसका हाथ बार बार यूं यूं चला जाता है तो वो आपकी बात को सच नहीं समझ। अब देखिए कितने सिंपल जेस्चर्स हैं, क्लस्टर ऑफ बॉडी एक्टिविटीज व्हेन दे आर टुगेदर दे क्रिएट अ मीनिंग। आप समझे, जब बहुत सारी बॉडी लैंग्वेजेस मिलके मतलब निकालते, और मेरा एक मैंने ओडी भी किया हुआ है, इसको कहते हैं शायद आजकल ओ भी पढ़ाते हैं पाकिस्तान में, बहुत ओडी के लोग शायद थोड़े हैं पाकिस्तान में, अमेरिका में शौक था इन चीज़ों का तो कॉर्पोरेट ने भेज दिया। ओडी इज बेसिकली इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, या आप उसको कह ले इंटरवेंशनिस्ट साइकोलॉजी, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू साइकोलॉजी। तो ओडी के जो ग्रुप्स होते हैं वो आप ही की तरह बैठ के तो बड़ी चीज़ें जो जितने बैरियर्स होते हैं वो तोड़ देते हैं, ताकि आप कॉरपोरेशन को थ्रू उनकी लीडरशिप समझ सकें। तो जब आप क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज को नहीं समझते और आप सिर्फ एक खास एक्टिविटी को आप पकड़ लेते हैं तो इसमें बहुत डेंजर है। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि व्हेन यू आर इन डाउट आस्क। इसी तरह आप देखें, मैं इनसे बात कर रहा हूं, हाँ मैंने अभी कहा नहीं कुछ भी, मैंने कहा मैं इनसे बात कर रहा हूं, देखा कि बॉडी कैसे मूव की मेरे तरफ, ठीक है नहीं, दिस इज कॉल्ड बॉडी, ये साइंस है पूरा। मैंने सिर्फ एक लफ्ज बोला, इनके ब्रेन को क्या, इनके ब्रेन ने प्रोसेस किया, मिलियंस ऑफ सेल्स ने
एक्टिविटी शो की सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गया, वहाँ से जोड़ते हुए डॉक्टर है ना यहाँ कोई बैठे हुए, तो आप भी बता सकते हैं कितनी वो एक्टिविटी शुरू हो रही है और इनकी बॉडी इस तरह से घूम रही है। ठीक है, अब इनकी बॉडी ऐसे की और मैं यूं कर रहा हूँ, आप यहाँ पे क्या कर रही है? गुड, थैंक यू। अब यहाँ खड़े रहे, अब फ्रीज करते हैं अपने को इधर ही। अब मेरा बॉडी लैंग्वेज क्या है इनके बारे में? इग्नोर। मैं इनकी तरफ बात करना चाह रहा हूँ, ये मेरी तरफ बात करना चाह रहा हूँ। अब अगर आप थोड़ा आगे आते हैं और मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और आप दो कदम और चले तो मैं यू मूव कर रहा हूँ, अब यहाँ खड़े हो जाए, अब ये और ये बात करना चाह रहे हैं और मैं आउट हूं, आप समझ रहे हैं? हमारे बहुत, थैंक यू सो मच, हमारे बहुत सारे लोग ये छोटी छोटी चीजें नहीं समझते। आप और देखें, मिसाल के तौर पे आपकी कॉन्फ्रेंस हो रही है, मीटिंग हो रही है, आपका फैसिलिटेट जैसे मैं खड़ा आपसे बातें कर रहा हूं, अब आपका हेड अगर यू है, आपने कभी तस्वीरें ग्रुप तस्वीर ली? ग्रुप तस्वीर में देखें, मैं फैमिली की बात कर रहा हूं, मैं बाहर रहरों की बात नहीं कर रहा, ग्रुप फैमिली की तस्वीर ली है और आप उनमें से एक देखेंगे जो यूं है, बीवी यहां खड़ी है और गर्दन यूं है, आपके कितने शादीशुदा हैं यहां? अच्छा, बीवी इधर खड़ी है और आदमी का यूं है, आप समझ रही हो, जबकि उसका तो यूं होना चाहिए था ना सर। तो ये देखिए बॉडी किस तरह बता रही होती है कि मैं आजिज आ गया। अब इसी तरह अस्सलामुअलैकुम, की हाल है? ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, देखेगा। अच्छा, ये मैं एक्चुअली देखा है, अब ये देखे, अब इधर आ गया और बुरा, अब जरा मेरे हाथों की तरफ देखे, ये बहुत ओल्ड ट्रेडिशन, अब बुरा ना मनाए क्योंकि हमारे तो कल्चर में है, मगर हिस्ट्री की तरफ मैं जा रहा हूं, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब की मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। उस जमाने में जब भी डालते थे तो वो देखना चाहते थे कि हाथ खाली है। मैं बात कर रहा हूं 14वीं 15वीं सदी, हर चीज एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ अगर दोस्ती हो तो वो आपको बताएगा कि कल्चर किस तरह इवॉल्व करते हैं, कल्चर दुनिया में हमारे, तो दुनिया में जब वो मिलते थे तो जब भी मारते थे आप, तो ये आपके हाथों को देखना चाहता था कि खाली है, और मैं इनके हाथों को देखना चाहता था तो जब भी पड़ती थी ऐसे समझिए, ताकि एक दूसरे को स्टैब ना करें उस जमाने में। फिर आया एक एवोल्यूशन कि ऐसे हाथ मिलाते थे, ऐसे हाथ मिलाने का फिर मतलब था कि मैंने आपके हाथ को भी देखा और आपने मेरे हाथ को देखा तो खाली था। अब इसमें एक और बड़ी इंटेलिजेंट चीज हो रही है जो कंट्रोल हम कोई भी नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज एक नेचुरल चीज है। अब मिलाए हाथ, अब ये देखें ये हाथ है ना मेरा, तो मैं ऐसे करूंगा और फिर ये हाथ ऐसे रखूंगा, इसका क्या मतलब है? वेरी ट्रू, पढ़ा लिखा पंजाब, वेरी ट्रू। ये डोमिनेंस का, जब आप किसी को बदकिस्मती से इंफीरियर सोचते हो या आप उसको डोमिनेट करना चाहते हो, तो जब आपका हैंडशेक तो यूं है ना, मैन टू मैन हैंडशेक तो यूं है, मगर यूं करके वो यूं हाथ है, आप बड़े खुश होंगे कि यार फलाना मिनिस्टर ने मेरा हाथ पकड़ा, एक्चुअली इससे है यू आर डाउन। तो मैं खुश नहीं होता, मैं कोशिश करता हूं जब मैं किसी बड़े आदमी से मिल रहा हूं तो मैं उसके हाथ को ऐसे कर मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि जो लोग बहुत मायूस हो, ज़हनी तौर पे मायूस हो, जज्बाती तौर पे बिल्कुल मायूस हो, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है मेरे लिए वो बहुत नुमाया हो जाती है। उसको हम कहते हैं प्रोफाइलिंग, कि आदमी के प्रोफाइल को देख के
बहुत सारी चीजें आपको आ जाती है। मिसाल के तौर पे उसने कपड़े किस तरह पहने, उसका उठना और बैठना कैसे, उसका ग्रुप में खड़ा होना कैसे, उसके बालों का, उसकी आंखों, ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सब आंखों के बारे में, आपकी राइट आंख किधर जाती है, लेफ्ट, ये कमाल का साइंस है। मैं खुद तक रह गया, मुझे समझ बहुत कम आई मगर वो कर लिया। तो जो आपका प्रोफाइल है उसमें वो फर्क आना शुरू हो जाता है। तो जब ये चीजें आप में बहुत आ जाए, आपका प्रोफाइल चेंज हो, आपकी आंखें उदास हो जाती है, आपके चेहरे पर रौनक नहीं रहती, क्योंकि रब ने तो आपको बड़ा प्योर बनाया ना, इंसानों से मोहब्बत, प्यार, रिस्पेक्ट, केयर, वो जब ब्लॉकेट हो रही होती है तो बॉडी उसको रिजेक्ट कर करके थक गया होता है, तो वो फिर बॉडी ही के ऊपर सारी चीजें आ जाती। जो ज़हनी बीमार हो, पीपल हु आर मेंटली सिक डोंट हैव सेंस ऑफ ह्यूमर, आपको समझ आए, दे डोंट हैव सेंस ऑफ ह्यूमर। मिसाल के तौर पे एक्सपेरिमेंट करते हैं मैं नफ्सियात के लोग, कि आप पांच लोग बिठाया हुआ है, ठीक, और कोई एक जोक सुनाता है, ठीक, दो लोग खिलखिला के हंसते हैं, मजा आ गया यार, दो लोग सिर्फ स्माइल करते हैं बट उनके चेहरे बता रहे होते हैं कि वो स्माइल खुश हुए हैं वो सुन के जोक, एक आदमी को फर्क ही नहीं पड़ता वो ये एक्सपेरिमेंट किया कि मेंटल हॉस्पिटल और नॉर्मल लोगों को मिला के उनके किया और एग्जैक्टली ये रिएक्शन था, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमर। उसको फिर जस्टिफाई करता है, इंसान अपनी कोताहियों को बड़ी खूबसूरती से जस्टिफाई करता है कि मैं इसलिए नहीं हंसा। आपको मैं टोक की भी एक बात करूं, हमारी बॉडी लैंग्वेज सब नॉर्मल है, खुदा के पास से बाहर जाके चीजें ना चेक करना शुरू कर देना, क्लस्टर 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 मतलब बहुत सारी चीजें इनकी बॉडी में हो रही है, तब जाके मतलब निकालें। अब देखें, आप ऐसे करें, मैं ऐसे कर रहा हूं, देखें अब इसका क्या मतलब है, माय टोन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स हिम, आई एम इंटरेस्टेड टू टॉक टू हिम। अगर मैं ऐसे कर लूं तो क्या, आई एम नॉट, मेरा जिस्म ऐसे ही है सामने है, but my feet are towards this. अब आप मेरी तरफ करें, करें तो आपका पाँव कौन सा पाँव आ गया, क्यों है, मैंने कहा, मैंने कहा मतलब बात करना चाह रहे, तो ये और ये। अब मिसाल के तौर पे अब आपने भी बैठ के ऐसे करना है, ये पाँव मेरी तरफ कर, अब इसको क्लिपिंग करते हैं, यानी हम दोनों एक दूसरे से अलाइंड है, ये पॉम देखें वो देखें, बिल्कुल एक हमारी एक यूनियन बन रही है, फ्रेंडशिप डेवलप। अगर मैं आपका पॉम इधर हो, आप नहीं रखे वैसे, और मैं यूं हूं, तो आई एम नॉट अलाइंड, मैं इधर देख रहा हूं, मेरा टो भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, देख रहे हैं कि छोटी चीज है, मगर इसके साथ अगर मैं यूं है मगर मैं यूं देख रहा हूं, हाँ जी, और आप जरा देखें आगे झुके मेरी तरफ, मैं समझ लो खूबसूरत अच्छा, आप देखिए बॉडी आगे आ गई है ना मेरी तरफ, तो दैट मींस के ही इज मोर इंटरेस्टेड, आई एम इवैल्यूएटिंग, ये देखें, और मैंने किस मजबूती से इसको पकड़ा हुआ सीट को। अब जो लोग नर्वस होते हैं बहुत सारे, वो बाज दफा ऐसे जाते हैं, ये जो है ना ऐसे करते हैं, और बाज लोग ऐसे नहीं करते, वो इसको पकड़ लेते हैं हैंडल को बड़ी मजबूती से, इस पे बहुत प्रेशर होता है, कभी आपका हो रहा हो तो एकदम रिलैक्स करें, समझे जी, तो ये इसको आप अलाइनमेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अगर आपने एक रिपोर्ट क्रिएट करना, इसको हम कहते हैं इमेजिंग, मिररिंग, तो मिररिंग एक लफ्ज होता है, मिररिंग का मतलब अगर आप आए मेरे सामने खड़े हो, यानी तुसी थक गए हो, आप आए, अगर आप ऐसे करके खड़े हो, जरा ऐसे ऐसे,
ये मिरर है, ये मिरर कर रहे हैं, यानी मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये भी मिरर कर रहे हैं, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो आप भी आ जाएंगे ऐसे खड़े, अगर मैं इस तरह करके खड़ा हूं यूं तो ये एंगर है, ये डिफाइंस है, समझे ना, ये कोई मोहब्बतकार नहीं हो रहा। तो मिररिंग जो है, अगर आपने कोई चीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई सेलिंग करनी है या आपने अपने बॉस नाराज है तो आप उसके साथ जब मिररिंग करेंगे तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पड़ेगी। मगर मजे की बात है, थैंक यू सो मच, मगर मजे की बात है कि मिररिंग भी कुदरती तौर पे होती है, अगर आप प्लान करें तो कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हो जाए, क्योंकि बॉडी इज प्योर। आप समझे मेरी बात? When you try to consciously think कि मैं मिररिंग करूंगा तो नहीं होगी। तो लाइफ में अगर आप लोगों ने ग्रो करना है, कामयाब होना है, खुश रहना है, तो जिंदगी की हर चीज नाव में होती है, अभी वहां तक नहीं पता।